अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसने न केवल भारत को बल्कि दुनिया के तमाम देशों को सालों से युवा टैलेंट देने का काम करा है। भारत के विराट कोहली, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, ये सभी खिलाड़ी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से ही लोगों की नजरों में आए थे। आज ये खिलाड़ी दुनिया में मौजूदा समय की सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। अंडर 19 टूर्नामेंट से ही भारतीय सीनियर टीम में आए शुभमान गिल ने पिछले कुछ समय में ही अपना भी अच्छा खासा नाम बना लिया है। इनके करियर की शुरुआत भी 2018 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से हुई थी। इस टूर्नामेंट के बाद से ही ये लगातार चर्चा का विषय बने रहे हैं। इनके खेलने की टेक्निक की वजह से इनकी तुलना दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों से की जाती है। आज कई सालों की मेहनत और लगन के दम पर कहीं जाकर वो इंडियन टीम में आ पाए हैं। आज की इस वीडियो में हम शुभमान गिल के जीवन की उस कहानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शुभमान गिल की कहानी। शुभमान गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फजलका में हुआ था। उनके पिता का नाम लखविंदर सिंह है जो कि पेशे से किसान थे। यूं तो शुभमान गिल के पिता भी क्रिकेटर ही बनना चाहते थे, पर कुछ कारणों के चलते वो क्रिकेटर ना बन सके। शुभमान की मां का नाम कीरत गिल है और उनके घर में उनके अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है शहनील कौर गिल। शुभमान गिल को बचपन से ही क्रिकेट से काफी लगाव था। जब वो मात्र 3 साल के थे तब से ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। जहां उनकी उम्र के दूसरे बच्चे खिलौनों से खेला करते थे तब उनको सिर्फ बैट और बॉल ही पसंद आते थे। उनका इंटरेस्ट शुरू से ही क्रिकेट की तरफ काफी ज्यादा रहा और उनके इसी इंटरेस्ट को उनके पिता ने पहचान भी लिया था। शुभमान के पिता उनके ऑफिस में काम करने वालों से शुभमान को बॉलिंग कराया करते थे, जिस वजह से बचपन से ही शुभमान को खूब प्रैक्टिस करने को मिली। इसी वजह से उनका खेल कम उम्र में ही काफी निखर गया और उनकी टेक्निक भी उनकी उम्र के बाकी बच्चों से बेहतर हो गई। कम उम्र में ही शुभमान के अंदर छुपे टैलेंट को उनके पिता ने पहचान लिया था। शुभमान के टैलेंट से प्रभावित उनके पिता समझ गए थे कि अगर इनको सही ट्रेनिंग मिले तो वो आगे चलकर क्रिकेट में जरूर कुछ कर सकते हैं। इसीलिए जब शुभमान थोड़े बड़े हुए तो वो फजलका से मोहाली में पीसीए स्टेडियम के पास एक किराए के घर में रहने लगे। मोहाली में आने के बाद से ही उन्होंने खूब मेहनत करी और 2014 में जब वो 15 साल के थे तब पंजाब के अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में 351 रन बनाए। इस पारी से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। आगे चलकर 2016 की विजय मर्चेंट ट्रॉफी में पंजाब की अंडर 16 टीम से खेलते हुए उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही डबल सेंचुरी लगा दी। ये शुभमान की वो शुरुआती पारी थी जिसकी वजह से वो अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। वहीं 2017 में उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। अपने दूसरे ही फर्स्ट क्लास मैच में सेंचुरी मारकर शुभमान ने सबको दिखा दिया कि वो किस दर्जे के बल्लेबाज हैं। 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप ने उनको न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया भर में पॉपुलर कर दिया था। 2018 के वर्ल्ड कप में पृथ्वी शॉ इंडिया की अंडर 19 टीम के कैप्टन थे। वहीं शुभमान को टीम की वाइस कैप्टनशिप की जिम्मेदारी मिली थी। इस टूर्नामेंट में शुभमान ने 372 रन बनाए। हाईएस्ट रन स्कोरर के साथ साथ वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। इस टूर्नामेंट में कमाल के प्रदर्शन के दम पर वो आईपीएल की केकेआर टीम को इम्प्रेस कर पाए और फिर जब आईपीएल के ऑक्शंस हुए तो इस युवा बल्लेबाज को 1.8 करोड़ रुपीस की कीमत में केकेआर ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। जब शुभमान गिल केकेआर की ओर से आईपीएल में खेलने उतरे तो उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। भले ही उनको बैटिंग लाइनअप में अलग अलग पोजिशंस पर बैटिंग करने को मिली, पर वो अपनी बल्लेबाजी को टीम की जरूरत के हिसाब से बदलने में सक्षम रहे और यही उनकी कामयाबी की वजह भी बनी। आईपीएल और डोमेस्टिक लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शुभमान गिल लगातार भारतीय टीम का दरवाजा खटखटा रहे थे। 2019 में उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए स्क्वाड में लिया गया और 31 जनवरी 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना डेब्यू किया। इसके बाद वो लगातार टीम के साथ जुड़े रहे। अगस्त 2019 में ही शुभमान गिल इंडियन टीम के यंगेस्ट बैट्समैन बने जिन्होंने फर्स्ट क्लास मैच में एक डबल सेंचुरी लगाई। इस समय उनकी उम्र 19 वर्ष और 334 दिन थी जब उन्होंने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए वेस्ट इंडीज ए के खिलाफ 204 रन बनाए थे। वहीं 26 दिसंबर 2020 को उनको टेस्ट में भी डेब्यू करने का मौका मिला जिसका उन्होंने बखूबी फायदा उठाया और टीम को ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई। शुभमान गिल का करियर अभी भले ही शुरू हुआ है पर जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी करते हैं उस वजह से वो काफी कम समय में ही काफी ज्यादा फैंस बना चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं वो इसी तरह से लगातार टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे और ना केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। तो दोस्तों यही थी कहानी हमारे देश के यंग टैलेंट शुभमान गिल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।